अगर ये चैनल आप देख सकते हो, मैंने ये मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था लेकिन इसमें रियूज कंटेंट आ रहा है तो इसको मोनेटाइज नहीं किया गया। लेकिन इस पर आप सब्सक्राइब देख सकते हो, 9600 सब्सक्राइब है और 4000 कुछ घंटे इस पर वॉच टाइम हो चुका है और ये चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। तो मैं बात करता हूँ आज कुछ नहीं। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आपका चैनल किस कैटेगरी को होगा तब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, वो भी आसान तरीके से। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं बात करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जान लीजिए मेरा नाम है योगेश मेघवाल। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल योगेश टेक, नो ड्रामा नो क्लिक बैक ऑनली टेक। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। सो हेलो गाइस, बात करते हैं कि जब यूट्यूब पर कोई नियम नहीं थी, कोई पॉलिसी नहीं थी कि आपको यूट्यूब को मोनेटाइज कराने के लिए आपको 1000 सब्सक्राइब और 4000 घंटे वॉच टाइम चाहिए। लेकिन अब क्या है, अब आपको 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइब करने होते हैं और वो भी आपके कंटेंट अच्छे होने चाहिए, रियूज कंटेंट नहीं होने चाहिए। जब कोई पॉलिसी नहीं थी तब क्या होता था, जब ये कैटेगरी है व्हाट्सएप स्टेटस की कैटेगरी, इससे बहुत से बंदे पैसे कमाते थे और कमाते भी हैं। जो पहले का चैनल मोनेटाइज हुआ है वो आज पैसे कमाते हैं, लेकिन अब कोई जो बंदा नया यूट्यूब पे स्टेटस डालता है, व्हाट्सएप स्टेटस के नाम से चैनल बनाता है और उस पर स्टेटस डालते हैं, उनका चैनल आज मोनेटाइज नहीं होता है। उन पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है और रियूज कॉन्टेंट आता है। जैसे कि मैं बोलूँ, मैं हर दिन नए वीडियो न बनाकर और एक एक वीडियो डाल दूँ कि यूट्यूब को मोनेटाइज कैसे करें, अपने चैनल को मोनेटाइज कैसे करें, ऐसे ही ऐसी वीडियो डाल दूँ कम से कम भी 5 है, तो मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं होगा। सही बात दोस्तों, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। पहले क्या था, जब कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता था तब हमारा चैनल प्रॉब्लम न आए, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता था। लेकिन अब क्या है, आपके वीडियो पर रियूज कॉन्टेंट आ जाता है तो वो चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, वो चैनल कभी मोनेटाइज नहीं होगा। तो मेरा तो आपसे यही कहना है कि अगर आप यूट्यूब पे जा रहे हो तो आप स्टेटस वाला वीडियो मत बनाए और स्टेटस का कोई भी चैनल मत बनाए। अगर आपको बनाना है तो आप अच्छे जैसे एजुकेशन से संबंधित बनाए, टेक से संबंधित बनाए, कोई भी आपको अनबॉक्सिंग करनी है उससे संबंधित बनाए, अपने आपके जोक डाल दे, या कोई आपको जोक्स में इंटरेस्ट है, कॉमेडी में इंटरेस्ट है, या किसी में शादी ब्याह में जा रहे हो तो वहाँ के वीडियो शूट कर लो, शादी पार्टी में जाते हो तो वहाँ के वीडियो शूट कर ले और उसको यूट्यूब पे डाल दे, ये भी अच्छा है। लेकिन स्टेटस के वीडियो वाला चैनल कभी मोनेटाइज नहीं होगा। हाँ मैं बोलता हूँ कभी कोई कोई हो जाता है लेकिन नहीं होता, और जिन पे कॉपीराइट स्ट्राइक आता है वो तो कभी नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शो कराता हूँ। ये चैनल मैंने ना मोनेटाइज कराने के लिए अप्लाई किया था, ये मोनेटाइज नहीं हुआ, इस पे रियूज कॉन्टेंट आ रहा है। ये चैनल मेरे दोस्त का है, वो इस पे 2.5 साल से मेहनत कर रहा है, फिर 9600 सब्सक्राइब हैं और 4225 कुछ घंटे वॉच टाइम हो चुका है इसका। तो ये चैनल मोनेटाइज के लायक है लेकिन इसमें कॉपीराइट स्ट्राइक बहुत ज्यादा है तो ये मोनेटाइज नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे प्यार बनाए रखना और साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और आप हमारे में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ताकि ऐसे यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अब मिलते हैं ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, गुड गुड, बाय बाय।